चलो अभी बातें बंद कर दो। इकोनॉमिक्स के बुक में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर लिया, अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 का आपको नाम दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी, और इस चैप्टर में हम सबसे पहले MSME का टॉपिक एक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी बुक में टॉपिक नहीं है तो आप इसको नोट कर लेना, सिर्फ इसके बारे में कुछ मेन मेन बातें हैं वही नोट करनी है, सारा नोट नहीं करना। मैं बता दूंगा जो नोट करना होगा, ठीक है, पहले आप इसको समझ लो। अब ये MSME है, बाद में मैं आपको इसको नोट करवा दूंगा। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो माइक्रो स्केल पे काम कर रहा है, स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है या मीडियम स्केल पे काम कर रहा है, उस बिजनेस को MSME एक्ट, MSME का पूरा कानून है जो 2006 में बनाया गया था, वो बिजनेस इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा। तो मान लो हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या हम पहले से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं इंडिया में, हमारा बिजनेस माइक्रो माना जाएगा, स्मॉल माना जाएगा या मीडियम माना जाएगा, उसके लिए एक लिमिट दे रखी है पैसा इन्वेस्ट करने की, कि आपने अपने बिजनेस के अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा हमारा बिजनेस माइक्रो होगा, स्मॉल होगा या फिर, हाँ, माइक्रो सबसे छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और स्मॉल का मतलब माइक्रो से बड़ा, और मीडियम का मतलब स्मॉल से बड़ा। इसके बाद लार्ज आएगा, वो लार्ज जिसमें कवर नहीं होता, ठीक है। ये एक्ट जो है वो सिर्फ माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस को कवर करता है। तो हमारा बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, वो डिपेंड करता है हमने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब ये इस एक्ट में आने के पीछे पर्पस क्या होता है? अब जैसे मान लो हमने कोई सोल ट्रेडिंग फर्म खोल रखी है, हमने कोई दुकान खोल रखी है, कोई शॉप खोल रखी है, कोई शोरूम खोल रखा है, हम उसको MSME एक्ट में कवर करना चाहते हैं, ताकि MSME एक्ट में माइक्रो को, स्मॉल को और मीडियम को जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट हमें भी मिलने क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हमें MSME एक्ट में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा अथॉरिटी से, उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा हमारा बिजनेस माइक्रो माना जाएगा, स्मॉल माना जाएगा या मीडियम माना जाएगा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है। जैसा भी हमारा स्टेटस होगा, अब अगर हमारे बिजनेस का स्टेटस माइक्रो का है, तो माइक्रो बिजनेस को जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट हमको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारे सर्टिफिकेट पे स्मॉल का स्टेटस दिया हुआ है, तो स्मॉल एंटरप्राइज को जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा स्टेटस मीडियम का होगा, तो मीडियम के जो बेनिफिट है वो हमको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब माइक्रो के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, उससे कम बेनिफिट स्मॉल के होंगे, और उससे भी कम बेनिफिट किसके होंगे, मीडियम के, ठीक है। बिजनेस जो होता है या तो वो गुड्स का होता है या सर्विस का होता है, मतलब अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो भी हम MSME में कवर हो सकते हैं, अगर हम सर्विस में डील कर रहे हैं तो भी हम MSME में कवर हो सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस चाहे दोनों में से कैसा मर्जी हो। स्टेटस कौन सा मिलेगा और कैसा मिलेगा? अब जो ये MSME की डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन पुरानी है और ये वाली डेफिनेशन नई है, ठीक है। तो आपको दोनों डेफिनेशन पढ़नी है, कि नई डेफिनेशन आने से पहले माइक्रो बनने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता था, स्मॉल बनने के लिए बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, और मीडियम बनने के लिए बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। और जो डेफिनेशन नई आई है, रिवाइज का मतलब चेंज कर देना। तो MSME की डेफिनेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब हम इस डेफिनेशन के बेस पे डिसाइड करते हैं हमारा बिजनेस माइक्रो होगा, स्मॉल होगा या फिर मीडियम होगा। और ये डेफिनेशन चेंज हुई है 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे। तो लॉकडाउन के अंदर MSME की डेफिनेशन को सरकार ने चेंज कर दिया, और लॉकडाउन से पहले जो डेफिनेशन थी वो ये वाली होती थी। अब आपको इसमें दोनों डेफिनेशन पढ़नी है, पुराने वाली भी और नई वाली भी। प्रीवियस MSME क्लासिफिकेशन, प्रीवियस का मतलब पहले वाली। तो कह रहे पुरानी डेफिनेशन क्या होती थी, पुरानी डेफिनेशन के अंदर
कोई बिजनेस एमएसएमई में आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता था आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है। अब इन्वेस्टमेंट किसके अंदर, प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं, अगर हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, गुड्स का, और गुड्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का होगा तो हमारा बिजनेस माइक्रो माना जाएगा, स्मॉल माना जाएगा या मीडियम माना जाएगा, वो डिपेंड करता है हमने अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हमारा बिजनेस सर्विस का होगा तो हमारा बिजनेस जो सर्विस का है वो माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम में आएगा, वो डिपेंड करता है कि हमने इक्विपमेंट, सर्विस देने के लिए इक्विपमेंट कितने लगा रखे हैं। अब जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बात करते हैं, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको बिजनेस के अंदर मशीनरी चाहिए, ठीक है, प्लांट भी चाहिए हो सकता है, प्लांट का मतलब एक बड़ा सेटअप, ठीक है, और मशीनरी का मतलब कोई भी छोटी मशीन चल सकती है, तो मशीन और प्लांट दोनों में फर्क होता है। प्लांट का मतलब एक पूरा का पूरा बड़ा सेटअप जिसको ज़्यादा जगह चाहिए एस्टेब्लिश करने के लिए मशीन्स को, और मशीनरी कैसी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है साइज में और बड़ी भी हो सकती है। तो कह रहे हैं अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे होगे, तो आपने जो मशीन बिजनेस में लगा रखी है वो कितने की आपने परचेज की थी। अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो तो आपके पास इक्विपमेंट होंगे। अब सर्विस के अंदर इक्विपमेंट क्या होते हैं, ट्रक का क्या करोगे, सर्विस तो इनटेंजिबल होती है, ट्रक में क्या बिठाओगे। गुड्स में डील करते समझ आता कि ट्रक के अंदर गुड्स को लोड करके पहुंचाना है कहीं पे, अब सर्विस को लोड कैसे करोगे ट्रक के अंदर। हाँ, ऐसा बोलो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, ठीक है, या फिर मान लो हम कोई डॉक्टर है उसने हॉस्पिटल खोल रखा है, तो हॉस्पिटल के अंदर वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगा, मशीनें इस्तेमाल करेगा, तो वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इक्विपमेंट चेक करना है कि आपने इक्विपमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये देखना है सर्विस के लिए, और गुड्स में डील कर रहे हो तो प्लांट मशीनरी में कितना इन्वेस्ट किया है पैसा आपने वो देखना पड़ेगा। अब वो अमाउंट कितनी है वो देखो, ऊपर वाली लिमिट गुड्स के लिए है और नीचे वाली लिमिट किसकी होगी, सर्विस के लिए। तो पहले हम जो गुड्स की लिमिट है उसको पूरा पढ़ लेते हैं। गुड्स की लिमिट क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर प्लांट मशीनरी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 25 लाख से कम, ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर, आप गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और आपने अपने बिजनेस के अंदर 25 लाख से कम की प्लांट मशीनरी लगा रखी है, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस कौन सा स्टेटस लेगा। यार एक काम करो, बैटरी ले आओ साथ वाले रूम से। तो कह रहे कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो और गुड्स में डील करने के साथ साथ आपने अपनी प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 25 लाख से कम की हुई है, तो हमको स्टेटस कौन सा मिलेगा, माइक्रो का स्टेटस मिलेगा। अगर हमने, अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं और हमने प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख या उससे ऊपर की हुई है पर 5 करोड़ से कम की हुई है, तो स्टेटस कौन सा आएगा, स्मॉल का आएगा। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 करोड़ या उससे ऊपर और कहाँ तक, 10 करोड़ से कम तक, तो स्टेटस कौन सा आएगा, और 10 या 10 से ऊपर की होगी तो लार्ज का, और वो इस एक्ट में कवर, कोई बेनिफिट नहीं है उसके लिए। माइक्रो के लिए बेनिफिट सबसे ज़्यादा होंगे, स्मॉल के बेनिफिट थोड़े कम होंगे माइक्रो से, और मीडियम के बेनिफिट उससे भी कम होंगे। अब
अभी बेनिफिट क्या होंगे वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो आप इस डेफिनेशन को ना चार्ट की फॉर्म में बना लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। आप बस ये चार्ट ड्रॉ कर लेना और कुछ ड्रॉ नहीं करना आपको इसमें, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ऊपर पहले हेडिंग डाल दो, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एमएसएमई। तो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, अब एमएसएमई की डेफिनेशन दो दे रखी है आपको, एक है बिफोर अमेंडमेंट अमेंडमेंट मतलब चेंज, ठीक है? तो 2020 में ये डेफिनेशन चेंज हुई थी, तो चेंज होने से पहले डेफिनेशन क्या थी वो भी पढ़नी है आपको, और आफ्टर अमेंडमेंट डेफिनेशन चेंज होने के बाद नई डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़नी है आपको। अब बिफोर अमेंडमेंट डेफिनेशन क्या बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, या फिर हम डील कर रहे हैं सर्विस में, या तो हम गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विस में डील कर रहे हैं। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, स्टेटस माइक्रो का मिल सकता है, स्मॉल का या मीडियम का, तीन में से कोई एक स्टेटस आपके पास आएगा। माइक्रो का स्टेटस कब मिलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कितनी है लेस देन ₹25 लाख, स्मॉल का स्टेटस कब आएगा, हाँ ₹25 लाख और मोर, बट लेस देन ₹5 करोड़, और तीसरा केस बनेगा मीडियम का, ₹5 करोड़ और मोर बट लेस देन ₹10 करोड़। ये तो हमने बात कर ली एमएसएमई की गुड्स में डील करने के लिए, अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो। दूसरा हमें पढ़ना है सर्विसेज को लेकर के, तो पहले आप ये नोट कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया नोट, हो गया अभी इधर नोट, ठीक है? अब वापिस से बुक पे देखो, अगर हम सर्विस की बात करें तो
आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसमें, इक्विपमेंट में, सर्विस के लिए इक्विपमेंट देखना है और गुड्स के लिए प्लांट एंड मशीनरी देखना है। तो कह रहे हैं अगर आप किसी सर्विस में डील कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें जिस इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 10 लाख से कम, तो स्टेटस कौन सा आएगा, माइक्रो का। 10 लाख या उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट है पर 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो स्टेटस स्मॉल का आएगा। 2 करोड़ उससे ऊपर होगी और 5 करोड़ से कम होगी तो स्टेटस कौन सा आएगा, मीडियम का। तो ये सर्विस के स्टेटस हो गए। रुको, इसको सर्विस के अंदर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स। स्टेटस माइक्रो का आएगा, स्मॉल का या फिर मीडियम का। अगर इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेस देन ₹10 लाख, अगर 10 लाख से कम आपने इक्विपमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आप कोई सर्विस दे रहे हो तो ऐसे केस में आपका स्टेटस जो है वो माइक्रो का बन जाएगा। दूसरे केस में ₹10 लाख और मोर, बट लेस देन ₹2 करोड़। 10 लाख या उससे ऊपर आपने पैसा इन्वेस्ट किया सर्विस के अंदर इक्विपमेंट में पर 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया है तो स्टेटस आपके पास स्मॉल का आएगा। और तीसरा केस बनेगा ₹2 करोड़ और मोर, बट लेस देन ₹5 करोड़। तो ये डेफिनेशन पुराने वाली है, तो पहले 2020 से पहले इस डेफिनेशन के हिसाब से स्टेटस मिलता था। जब हम ये फॉर्म फिल करते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए तो हम खुद से बताते हैं कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रखी है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फायदा इसको मिलते हैं माइक्रो को। अब मान लो हमने ना कोई सर्विस का बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, और हमने बिजनेस के अंदर इक्विपमेंट लगा रखे हैं 3 करोड़ के। अब हमने हमारे बिजनेस के अंदर 3 करोड़ के इक्विपमेंट लगा रखे हैं तो जब हम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें हमें लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट ₹3 करोड़। पर हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि हमें पता है कि अगर हम 3 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे तो स्टेटस कौन सा आएगा हमारे पास, मीडियम का, और उसको बेनिफिट क्या मिलते हैं, सबसे कम मिलते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएं 8 लाख। ठीक है, रियल इन्वेस्टमेंट तो 3 करोड़ की है ना, पर हम शो क्या करना चाहते हैं ताकि स्टेटस कौन सा है हमारे पास और बेनिफिट क्या मिले हमको, ज़्यादा मिले। तो लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में झूठ बोल देंगे अथॉरिटी को कि हमने तो इन्वेस्टमेंट 8 लाख की हुई है, कौन सा कोई आके चेक करने वाला है, ताकि हमको बेनिफिट क्या मिले MSME के, ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ऐसे केस में इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन करने के लिए आता है। और जब आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे ना, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अथॉरिटी से इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकता है। हर बार आए को जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है, वो आ सकता है कि मैं जाके चेक करके आऊँगा इन्होंने सही सही में इन्वेस्टमेंट 8 लाख की हुई है या फिर ज़्यादा की हुई है फिर कम की हुई है, जो भी केस बनता होगा। ठीक है, अब मान लो इंस्पेक्टर आ गया बाई चांस, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है 3 करोड़ की, ठीक है, और हमने फॉर्म में शो किया 8 लाख की, तो क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमको, हम झूठ बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमको। तो हमको जहाँ तक हो सारी बातें सही बतानी है। हाँ, थोड़ा बहुत गैप है। अब मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया 3 करोड़ की, हमने उसमें मोटा मोटी शो कर दी 2.7 CR, वो चलेगा। गैप कितने, सिर्फ 30 लाख का गैप है ना यहाँ पे देखा जाए तो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर करोड़ों के इन्वेस्टमेंट को आप लाखों में शो कर रहे हो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
फिर ऐसा यहाँ पे माना जाएगा कि आपको बेनिफिट ज़्यादा लेने हैं, इस चक्कर में आप झूठ बोल रहे हो। थोड़ा बहुत गैप होता है वो तो समझ आता है कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें एकदम एक्यूरेटली नहीं पता होगा, उसके अमाउंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर इतना इतना गैप हो, बिजनेसमैन को समझ आता है ना इतना तो, कि इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया और इतना गैप शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप चलेगा, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट के जो गैप होंगे वो नहीं चलेंगे। फिर हमारा जो सर्टिफिकेट लेने की एप्लीकेशन होगी, अथॉरिटी वो कैंसिल कर देगी कि आपको हम कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप झूठ बोल रहे हो स्टार्टिंग से। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कोई नहीं मिलेगा कुछ टाइम तक, हमको फिर बैन कर देंगे सर्टिफिकेट लेने से, बिकॉज हम अभी स्टार्टिंग में झूठ बोल रहे हैं जब सर्टिफिकेट लेना है, बाद में पता नहीं कितनी झूठ बोलेंगे। इसलिए उसके बाद नेक्स्ट आओ, अमेंडमेंट के बाद डेफिनेशन क्या हो गई है, तो आफ्टर अमेंडमेंट की डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है अब हमें। तो रिवाइज्ड डेफिनेशन देखो, रिवाइज्ड डेफिनेशन जो है उसमें आपको दो चीज चेक करनी है, एक तो इन्वेस्टमेंट चेक करनी है और एक एनुअल टर्नओवर चेक करनी है। एनुअल का मतलब पूरे साल की, और टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, सेल। ठीक है, सेल्स। तो आज के टाइम में अगर हमने कोई बिजनेस किया हुआ है और हम अपने बिजनेस को माइक्रो का या स्मॉल का या मीडियम का स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, तो हमको एक तो अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी, और दूसरा हमें क्या चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे मान लो आज हम अप्लाई कर रहे हैं एमएसएमई के स्टेटस को लेने के लिए, तो टर्नओवर कौन सा देखोगे आप, पिछले साल का। ठीक है, अब जैसे 22-23 साल चल रहा है, तो 22-23 साल में तो आप अप्लाई कर रहे हो सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो इससे पिछला साल कौन सा होगा, तो 21-22 की आपके जो पूरे साल की सेल्स है वो देखनी है आपको। और सेल कहाँ लिखी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी होती है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसके क्रेडिट साइड में लिखी होती है सेल्स, तो वहां जो सेल की अमाउंट आ रही है वो आपको भरनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर, ये लिखा हुआ है। तो अब जो रिवाइज डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ये कह रहा है कि अब हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एनुअल टर्नओवर भी चेक करनी है, और बीच में एंड है, तो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो स्टेटस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लिमिट है क्या वो देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों के लिए सेम दे रखी है। अभी हमने पुरानी डेफिनेशन पढ़ी थी, पुरानी डेफिनेशन के अंदर गुड्स वाले केस के लिमिट क्या थी, अलग थी, और सर्विस वाले केस के लिमिट क्या थी। अब कह रहे हैं कि दोनों की हमने कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब इकट्ठा। ठीक है, दोनों की हमने जो सर्विस की है और जो गुड्स की है वो हमने लिमिट क्या कर दी, इकट्ठी कर दी। इकट्ठी का मतलब कि आपको दो चीज चेक करनी है, इन्वेस्टमेंट भी चेक करनी है और क्या चेक करनी है, टर्नओवर चेक करनी है। अब कह रहे हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ से, और पहले कितनी थी यहाँ पे, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब 4 गुना से लिमिट बढ़ा दी है, 25 लाख का 4 गुना 1 करोड़ हो गया ना। ठीक है, सर्विस येरी, दूसरा एंड आपको टर्नओवर भी चेक करनी है कि आपके बिजनेस के टर्नओवर कितनी है, तो टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ना आप ये काट देना, ये सेम हो गई ना ये वाली, तो ये बाय मिस्टेक लिखी हुई है, जो नीचे वाली सर्विस की लिमिट है वो आपको नोट नहीं करनी, आपको सिर्फ यही नोट करनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिमिट क्या है, अब सेम लेके चलनी है। ठीक है, मतलब आज के टाइम में अगर आपको अपने बिजनेस को एमएसएमई में कन्वर्ट करना है, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, तो आपके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, तो स्टेटस कौन सा आएगा, माइक्रो का, पर साथ में टर्नओवर भी देखी जाएगी, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो तो उसके लिए भी लिमिट क्या है, यही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लिमिट यही है, मतलब गुड्स की लिमिट भी यही है और सर्विस की लिमिट भी क्या है, दोनों की लिमिट सेम है। ये जो लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, बिकॉज दोनों में देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई थी सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा, स्मॉल का स्टेटस चाहिए, तो चाहे गुड्स में डील करो चाहे सर्विस में डील करो, प्लांट मशीनरी में या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, हाँ 10 करोड़ से कम, और ज़्यादा कहाँ से होगी, 1 करोड़ से, 1 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए ना, स्मॉल में आ रहे हैं इसलिए, और कम कहाँ तक होगी, 10 करोड़ तक होगी,
प्लस आपको टर्नओवर भी देखनी है, वो कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ या उससे ऊपर, पर 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर मीडियम का स्टेटस चाहिए तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे ऊपर होगी और 20 करोड़ से कम होगी। इन्वेस्टमेंट सॉरी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी, उसके बराबर होगी, और 100 करोड़ से क्या होगी, कम होगी। अगर आप इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आ जाओगे तो आपको माइक्रो का, स्मॉल का या मीडियम का जो भी स्टेटस बनता होगा वो मिल जाएगा। सेल ये लिखा हुआ। अब इसको नोट करो। लिखो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, हो गया अभी इतने नोट। हो गया अब लिमिट डाल दो इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ से कम, 1 से 10 और 10 से 20। यही सेम यहाँ पे आएगी लिमिट, बिकॉज इक्विपमेंट के लिए और प्लांट मशीनरी के लिए लिमिट सेम है, और टर्नओवर की लिमिट जो है वो बदल जाएगी।
कितना? ये लिमिट है नई वाली। तो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों चीज अथॉरिटी चेक करती है, फिर जाके आपको एमएसएमई का स्टेटस मिलेगा। अब एमएसएमई के फायदे क्या होते हैं, जो दो चार फायदे बता देता हूँ मैं आपको, वो नोट नहीं करने, आपको बस सुनने हैं। मेंस जो आपको नोट करनी थी और याद करनी है वो लिमिट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। एक आपको बिजनेस का नाम दे देंगे कोई भी, उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की है और उसकी टर्नओवर ये है, बताओ उसको स्टेटस कौन सा मिलेगा। ऐसे मान लो कोई एक बिजनेस का नाम दे दिया, एक मान लो एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है। इस कंपनी के अंदर ये कंपनी गुड्स में डील करती है और इस कंपनी ने प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है ₹80 लाख की, और इस कंपनी के जो एनुअल टर्नओवर है वो है ₹3 करोड़। तो बताओ इस कंपनी को स्टेटस कौन सा मिलेगा, माइक्रो का, बी स्मॉल का, सी मीडियम का और डी लार्ज का। तो वो टिक करना होगा। अब ये टिक आप तभी कर पाओगे जब आपको ये लिमिट याद होगी सारी की सारी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर किसी एंटिटी को माइक्रो में फॉल होना है तो उसके पूरे साल में टर्नओवर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो वो लिमिट आपको बतानी पड़ेगी वहां। तो लिमिट में आप बताओगे less than 5 करोड़, फिर ठीक है, less than 5 करोड़, less than 6 करोड़, less than 7, less than 8, चार ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो ऑप्शन जो सही है वो टिक करना होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। अब इसके दो चार बेनिफिट सुनो कि बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम किसी एमएसएमई एंटिटी से, मान लो आपकी एमएसएमई बिजनेस है, मेरा बिजनेस नॉर्मल है, मैं एमएसएमई में कवर नहीं हूँ, मैंने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, और आपने एमएसएमई में क्या करवाया हुआ, रजिस्टर करवाया हुआ अपना, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे उधार में कुछ परचेज करता हूँ, मतलब एक ऐसी एंटिटी जो एमएसएमई में कवर नहीं है, उसने एमएसएमई से क्या किया, उधार में कुछ परचेज किया है, तो मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, मैंने आपसे उधार में सामान लिया है, तो मुझे मैक्सिमम 45 दिन मिलते हैं, मतलब मुझे 45 दिन के अंदर पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, वरना मेरे पर ब्याज का जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एमएसएमई से उधार में सामान ले सकते हो, पर मैक्सिमम 1.5 महीने के लिए, 1.5 महीने के अंदर आपको एमएसएमई की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैंने 45 दिन के बाद लेट किया तो हर दिन का जो ब्याज का मीटर है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जो अमाउंट उधार की थी वो तो मुझे पे करनी पड़ेगी आपको, साथ में उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। जितने दिन मैं लेट करूंगा उतने दिन का ब्याज बन जाएगा, जैसे बैंक से लोन लेने पर बनता है, ठीक है, वैसे ही। उसके अलावा कुछ और सरकारी फीस वगैरह पे करनी पड़ती है बहुत सारी, उसमें इनको बेनिफिट मिल जाता है, कम पे करनी पड़ती है। अच्छा, एमएसएमई बैंक से लोन लेती है तो इनको कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन मिल जाएगा। एक नॉर्मल एंटिटी जो एमएसएमई में कवर नहीं है वो बैंक से लोन लेगी, उस पे ब्याज की रेट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और एमएसएमई पे क्या आएगी, कम आएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट कागजी कार्रवाई, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब भी एमएसएमई में क्या करती है, कम करती है। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस बर्डन, सरकार का इंटरफेरेंस, पेनल्टी फीस, ये सब कम आती है इनके ऊपर, और नॉर्मल एंटिटी पे वही सब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए लोग अपने बिजनेस को एमएसएमई में कवर करते हैं, ठीक है, ताकि इन बेनिफिट का फायदा उठाया जा सके। समझ गए इसको, बस अब इतना ही करते हैं इसको। तो अभी चैप्टर 5 में हमने एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है, इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले सारे वो कवर कर लेंगे इसमें।